हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंशु फ्रॉम एटेक एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म अदर देन कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें कॉन्स्टेंट को छोड़ दो आप। कॉन्स्टेंट को छोड़ के जितनी भी टर्म्स हैं उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे 5 है, कॉन्स्टेंट है, इसको छोड़ दो। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो कॉन्स्टेंट होता है, उसको आप छोड़ दो। बाकी के जो टर्म है उसे लिख लो -3t2। ये आपके पास टर्म है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? जो भी इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आपको नजर आ रहा है वो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -3, दैट्स इट। अब इसमें जो 1 है ये कॉन्स्टेंट है, इसे छोड़ दो। टी का आपको ये टी फर्स्ट टर्म, टी का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? देखो टी के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1। टी स्क्वायर दूसरी टर्म है इसकी, और थर्ड टर्म है इसकी टी क्यूब। देखो इसमें 4 टर्म्स हैं, एक टर्म कॉन्स्टेंट है जिसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं होता। कॉन्स्टेंट टर्म इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसका होता है? जिनमें कोई वेरिएबल होता है, राइट। तो हमें एक टी, एक हमारे पास टी है टर्म, सेकेंड है टी स्क्वायर, और थर्ड टर्म है टी क्यूब। 3 टर्म्स हैं, टी के आगे कुछ नहीं है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, टी स्क्वायर भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, टी क्यूब के आगे भी कुछ नहीं है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 ही होगा। नेक्स्ट पार्ट, x प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस 2xy प्लस 3y। 3 टर्म्स हैं, इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो तीनों टर्म्स का आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करना है। पहले हम टर्म देखते हैं, एक x है, एक 2xy है और एक 3y है। तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको पता है, जब कुछ भी साथ नहीं होता किसी वेरिएबल के तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 होता है। अब इसमें क्या है? 2। न्यूमेरिकल मतलब सिर्फ जो नंबर होगा वही बताना है आपने। इसमें नंबर कौन सा है? 3। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टर्म्स है 100m और 1000n। तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? जो एक नंबर की फॉर्म में है वो है 100, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? 1000, राइट। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन हमारे पास जिसकी टर्म्स है -p2q, एक टर्म ये वाली है, और दूसरी टर्म है 7pq, दो टर्म्स हैं। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पता चल रहा है आपको क्या होगा? जब माइनस है तो -1 आ जाता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और इसमें क्या होगा? 7 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। नेक्स्ट पार्ट, 1.2a प्लस 0.8b, राइट। तो इसकी टर्म क्या होगी? 1.2a फर्स्ट टर्म ये है, और 0.8b सेकेंड टर्म आपके पास ये है। इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1.2 है और इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.8 है। आई होप कि अभी आपको इतना समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है जो नंबर की फॉर्म में हो। 3.14r² मोनोमियल है, एक ही टर्म है, तो उस टर्म को एज इट इज लिख दो, 3.14r², ये आपके पास टर्म है, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? 3.14। नेक्स्ट है 2l + b, तो इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, 2l + 2b हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 2l से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास दो टर्म्स आ गई 2l। दो टर्म्स कौन सी हैं? एक है 2l और एक है 2b। अब इस टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है और इस टर्म का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 ही है, राइट। नेक्स्ट है 0.1y प्लस 0.01y², तो दो टर्म्स हैं, 0.1y फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 0.01y², तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर मैं देखूं तो मेरे पास आता है 0.1 और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आता है 0.01। आई होप कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स आपको क्लियर हो गए हैं जो नंबर की फॉर्म के होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।